अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। हम इससे पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिनमें एक चैप्टर हम हैवी मेटल्स का चला रहे थे और दूसरा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था वो सॉइल पोल्यूशन से रिलेटेड था। तो हैवी मेटल्स का एक लेक्चर हो चुका था जिसमें हमने जनरली हैवी मेटल्स को डिस्कस किया, और अब हम हैवी मेटल्स से रिलेटेड सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हैवी मेटल्स से रिलेटेड जो हमारा सेकेंड लेक्चर होगा वो हैवी मेटल्स में लेड पर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेड की टॉक्सिसिटी को। हैवी मेटल्स जितने भी हैं हम सब जानते हैं कि ये टॉक्सिक होते हैं इंसान के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज में इसका एटॉमिक नंबर 82 है और वेट इसका 207 ग्राम पर मोल है। जाहरी तौर पर ब्लूइश वाइट रंग का होता है, मेलिएबल चादरें बन सकती हैं, और ये सबसे हैवी जो पॉइंट नंबर 5 है इसमें टी लिखना सॉरी रह गया है, हैवीएस्ट नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनमें ये सबसे हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट काउंट होता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स व्यूअर्स वो होते हैं जिसमें से खास किस्म की रेडिएशन यानी कि अल्फा बीटा गेमा रेज ये रेडिएशन निकलती रहती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेड की स्टी को। तो लेड बहुत पहले जमाने में लेड के बर्तन यूज हुआ करते थे, और एंशियंट टाइम में यानी जो रोमन्स वगैरह थे उस जमाने में ये यूज करते थे इसको शराब की स्वीटनिंग के लिए, और इससे लेड कोलिक की बीमारी हो जाया करती थी। लेड कोलिक की बीमारी में पेट के अंदर जो है यानी जो कोलोन है उसके अंदर दर्द वगैरह होती है, और लेड यूटेंसिल्स वगैरह भी यूज होते थे। अब हम चलते हैं लेड की सोर्सेस से कि हमारे माहौल में लेड कहाँ कहाँ से एनवायरनमेंट में इंटर हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस जितने भी हैं जैसे लाइनिंग पाइप्स टैंक्स वगैरह, और वेदर प्रूफिंग बिल्डिंग मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में सर्दी गर्मी वगैरह जैसे या पानी वगैरह को रोकने के लिए सीपेज को रोकने के लिए यूज किया जाता है, और प्रोटेक्टिव शील्डिंग फॉर रेडिएक्टिव मटेरियल्स यानी रेडिएक्टिव मटेरियल्स जो यूज होते हैं जैसे एक्सरेज मशीनें वगैरह, इनमें लेड ही यूज होता है रेडिएक्टिव रेज को एब्जॉर्ब करने और रोकने के लिए। इसके अलावा स्मेल्टर्स जो है वो इंस्टॉलेशन होती है जिसमें मेटल को उसके ओर्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी ओर्स जो पहाड़ों से पत्थर लाए जाते हैं उनको फिर मुख्तलिफ मशीनों में डालकर उसमें से मेटल को सेपरेट करते हैं, उन मशीनों को स्मेल्टर्स कहते हैं। तो वो स्मेल्टर्स जहाँ पर लेड जो है एक्सट्रैक्ट हो रहा हो वो भी फिजा में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट एडिटिव फॉर गैसोलीन। एडिटिव फॉर गैसोलीन का मतलब है कि पेट्रोल वगैरह जिसका ऑक्टेन नंबर कम हो। ऑक्टेन नंबर ये क्या होता है, ये जितना पेट्रोल का जो गैसोलीन का मॉलिक्यूल है वो जब ब्रांच्ड होता है तो हम कहते हैं इसका ऑक्टेन नंबर उतना ही बेहतर है, यानी ये आई इजीली जल जाएगा और गाड़ी के अंदर नोकिंग या शोर पैदा नहीं करता, गाड़ी के इंजन को नुकसान नहीं देता। तो लेड टेट्रा इथाइल लेड को बतौर एडिटिव गैसोलीन के अंदर डाला जाता था ताकि गैसोलीन की जो प्रॉपर्टीज है वो ठीक हो जाए, उनके अंदर जो नॉकिंग का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं लाइनिंग पाइप्स वगैरह में लेड यूज होता था और मुख्तलिफ चीजों में जो हमने अब तक डिस्कस किया। तो चलते हैं नेक्स्ट यूजेस की तरफ लेड की, लेड कहाँ कहाँ यूज होता है आम रोजमर्रा जिंदगी में इसको, जैसे हमने कहा था कि बिल्डिंग्स में वेदर प्रूफिंग के लिए यूज करते हैं तो बिल्डिंग्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा लेड के एलॉयज जैसे मोलिब्डो चालकोस लेड और कॉपर का एलॉय होता है,
एलॉयज को कहते हैं जो मेटल्स का मिक्सचर हो, जैसे दो या तीन मेटल्स को जब मिला लेते हैं तो उसको हम एलॉय कहते हैं। इसी तरह सोल्डर, जो एज ए सोल्डर वायर यूज होता है ये टांके वगैरह जोड़ वगैरह लगाने के लिए, ये लेड और टिन का एलॉय है। और इसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है, मुख्तलिफ किस्म के, यानी जो एक्सरे अपरेटस कंस्ट्रक्ट करते हैं या बिल्डिंग्स, और एक्यूमुलेटिंग प्लेट्स ऑफ लेड स्टोरेज बैटरीज, यानी वो बैटरियां जो हम यूज करते हैं गाड़ियों के अंदर, उनके अंदर चार्ज को एक्यूमुलेट करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए लेड के प्लेट्स लगाए होते हैं। इसके अलावा लेड आर्सेनेट एज ए पेस्टिसाइड पेस्ट्स वगैरह को, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज होता है, और इससे फूड टिन्स बनते हैं, सोल्डरिंग जिस पहले हमने डिस्कस किया। और लेड एज अ पिगमेंट, व्हाइट पिगमेंट भी यूज हो सकता है, रेड लेड एज अ रेड पिगमेंट भी यूज हो सकता है, मुख्तलिफ इसके यूजेज है। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या है। यानी जो लेड की कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर 0.3 पार्ट्स पर मिलियन से बढ़कर जो 0.8 पार्ट्स पर मिलियन के अंदर आ जाए, हमारी बॉडी में इसकी कंसेंट्रेशन इतनी बढ़ जाए, इससे एनीमिया काज होगा, इससे जो है रेड ब्लड सेल्स की कमी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा लेड जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो हमारे बोन्स के अंदर जो कैल्शियम है इसको रिप्लेस करके, इसके साथ एक्सचेंज कर इसकी जगह चला जाता है, और जब ये बोन्स के अंदर जाता है तो वहां डिकेड्स तक, यानी 10 10 20 20 साल तक स्टोर रहता है, और उसके बाद फिर ये वापस बोन्स में से निकलना शुरू कर देता है, तो इस तरह ये एनीमिया काज कर देता है। और ऑर्गेनिक फॉर्म जो लेड का है वो ज्यादा डेंजरस होता है बनिस्बत इसके इनऑर्गेनिक फॉर्म के। उसकी वजह क्या होती है कि ऑर्गेनिक फॉर्म जो है डायरेक्ट स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन से अंदर चला जाता है और हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इस पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, और इस तरह दिमागी मसाइल पैदा करना शुरू कर देता है। और जिगर के अंदर ये पहले यानी ट्राइथाइललाइड में कन्वर्ट होता है, फिर डाइथाइललाइड के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर इन ऑर्गेनिक लेड में कन्वर्ट होने के बाद वहां मुख्तलिफ कम्प्लेक्सेस बना सकता है। और टेट्रा इथाइल लेड ये जो है गाड़ियों के कम्बस्शन इंजन में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था हम पेट्रोल में इसको यूज करते हैं, तो ये गाड़ियों के कम्बस्शन इंजन में जलने के बाद लेड ऑक्साइड बना लेता है, और ये लेड ऑक्साइड फिजा के अंदर आ जाता है, और जब हम इसको इनहेल करते हैं तो ये लंग कैंसर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक लेड है इसका अगर हाई लेवल, इसकी ज्यादा मिकदार जो हमारे बॉडी में हो तो ये जहरीलापन बॉडी के अंदर पैदा कर देता है, फीमेल्स के अंदर मिसकैरियज यानी बच्चों का गिर जाना, जाये होना, स्टिल बर्थ बच्चे की पैदाइश ना होना, ये प्रॉब्लम्स भी लेड की वजह से है। और अगर कभी एक्यूट एक्सपोजर हो जाए इस लेड की तो किडनी किडनीज डैमेज हो सकते हैं, और क्रॉनिक एक्सपोजर अगर इसका हो जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, और इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, डीएनए में चेंजेस आ सकती हैं, और आपको पता है डीएनए की चेंजेस कैंसर का जरिया होती हैं। तो अब हम आते हैं कि क्या ऐसा कोई इलाज है कि जिससे हम हमारी बॉडी में जो लेड दाखिल हो रहा है इसको वापस बॉडी से रिमूव किया जा सके। तो व्यूवर्स बिल्कुल इसका इलाज है, इसका ट्रीटमेंट है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ मैं दो चीजें डिस्कस करूंगा कि अगर हमारी बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेड इंटर हो चुका है, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर बोन से निकलकर फ्लो कर रहा है, ब्लड के अंदर बह रहा है, तो हम इसको बिल्कुल अपनी बॉडी के अंदर से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए EDTA और डाई मरकैप्रोल यूज किया जाता है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इस कंपाउंड को बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, ये पर लेड के साथ मिल करके कम्प्लेक्सेस बना लेता है, और लेड के साथ कम्प्लेक्स बनाने के बाद EDTA, चूंकि ये चार्ज्ड कम्प्लेक्स है तो ये पानी के साथ बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बनाने के बाद फिर ये हमारी किडनी और यूरिटर के थ्रू यूरिन बनकर बॉडी से निकल जाता है। सेम इज द केस विद डाइमर कैप्रोल, ये भी बॉडी में से इसी तरह से लेड को रिमूव कर सकता है। तो स्टूडेंट्स